नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तबाही मचा रही है। रोजाना लाखों नए मरीज सामने आ रहे हैं। मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन अब कुछ दिनों से मामलों में गिरावट देखी जा रही है, हालांकि ये मामले भी भयावह हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,96,427 नए मामले सामने आए हैं। लंबे अंतराल के बाद रोजाना मामलों की तादाद 2 लाख से नीचे आई है। इससे पहले 14 अप्रैल को 1,84,000 मामले आए थे, 15 अप्रैल को 2 लाख से ज्यादा मामले आए थे और तब से ही लगातार 2 लाख के पार नए मामले बने हुए थे। यानी कि देश में करीब 40 दिन बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से कम नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,511 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 2,69,48,874 हो गई है। इनमें से अब तक 3,07,231 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। बीते 24 घंटों में 3,26,850 लोग रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 25,86,782 हो गई है। वहीं अब तक कुल 19,85,38,999 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 20,58,112 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 35,25,94,176 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने ये जानकारी दी। आंकड़ों को देखा जाए तो देश में बीते कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, जिससे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर यानी रिकवरी रेट करीब 89% है। वहीं COVID-19 से मृत्यु दर 1.14% है। कोरोना की दूसरी लहर की थमती रफ्तार से देश की जनता ने राहत की सांस भी ली है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी हैं, तो सरकारों को भी राहत मिली है, मगर अभी मौतों का बढ़ता आंकड़ा परेशानी और चिंताएं बढ़ा रहा है। इसके अलावा वैक्सीन की कमी के बिना टीकाकरण अभियान पर भी ब्रेक लग गया है। कई राज्यों में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बता दें कि देश में एक तरफ जहां कोरोना के कोहराम से देश को थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इनके साथ ही येलो फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले अब तक देखने को मिल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।